हाथरस के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए इंटरनेशनल साजिश तैयार की गई थी शायद। हाँ, जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत मिल रहे हैं, जांच में इस बात का खुलासा हो रहा है कि हाथरस के नाम पर दंगे के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विदेश से करीब 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी, 50 करोड़ मॉरिशस के रास्ते, 50 करोड़ खाड़ी देशों से। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हाथरस में हिंसा के लिए विदेश से आए पैसे, यूपी में 100 करोड़ की साजिश का पर्दाफाश। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे, यानी एक गरीब की लाज पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो हाथरस को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस साजिश की बात कर रहे हैं उसके तार सात समंदर पार से जुड़े हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूपी को दंगों की आग में झोंकने के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई थी। जांच एजेंसियों की माने तो हाथरस के नाम पर दंगा भड़काने के लिए 50 करोड़ रुपए मॉरिशस के रास्ते भेजे गए और 50 करोड़ मध्य पूर्व के देशों से भेजे गए। साजिश को अंजाम देने के लिए पीएफआई को फंडिंग का खुलासा ईडी की शुरुआती जांच में हुआ है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं कि वो पैसे किसने भेजे और कैसे भेजे। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है और ये सारी फंडिंग मॉरिशस और खाड़ी के देशों के अलावा भारत से भी हुई है। पूरी साजिश के केंद्र में पीएफआई है जिससे जुड़े चार संदिग्धों को मथुरा से पकड़ा गया है। चारों पर मथुरा और हाथरस दोनों जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि साजिश को अंजाम देने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट के जरिए कौन कौन सी अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थी। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। जांच एजेंसियों को हाथरस में इंटरनेशनल साजिश के कई सबूत हाथ लगे हैं। यूपी में दंगे भड़काकर दुनिया में मोदी और योगी की छवि को खराब करने की साजिश का खुलासा हुआ है। जिस वेब प्लेटफॉर्म के जरिए दंगा भड़काने वाली वेबसाइट चल रही थी वो अमेरिकी है। उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स के दौरान हुआ था। ऐसे ही प्लेटफॉर्म का हांगकांग के प्रदर्शन के दौरान भी इस्तेमाल हुआ। प्रदर्शनकारी हर जानकारी पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ट्रैक करना आसान नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंसा की साजिश के लिए पीएफआई की तैयारियां कितनी बड़ी थी, लेकिन पीएफआई सारे आरोपों से इनकार कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्गली कंडेम्स द अटेम्प्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू लिंक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया विद एलिगेशन दैट वी आर ट्राइंग टू इंसाइट कम्युनल एंड कास्ट वायलेंस। सो दिस इज हाईली डिप्लोरेबल एंड इट इज एन अटेम्प्ट बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू डाइवर्ट द अटेंशन। इस बीच हाथरस कांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान एसआईटी को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। पता चला है कि पीड़िता के भाई का मोबाइल फोन उसकी पत्नी यानी पीड़िता की भाभी इस्तेमाल करती थी। इस नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर लगातार बातें हुई। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला। पीड़िता के भाई के मोबाइल से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 कॉल की गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। अब जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर आरोपी और पीड़िता के भाभी के बीच क्या बातें हुई। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।